सभी दोस्तों का जय हिंद। तो दोस्तों आज 16 जनवरी का जो फोर्थ शिफ्ट है उसका पेपर छूट चुका है और हमारे पास एक हमारे भाई मौजूद है। पेपर कैसा गया? आज का पेपर बहुत ही सरल था और जिसके अच्छे से प्रैक्टिस की आराम से हो जाएगा। उसमें मैंने 60 रैंक अटेंड करे, थोड़ा सा मेहनत आया था, बाकी ये तीनों मोटे जीते तो जीके सबसे आसान आज के पूरे शिफ्ट में देखा जाएगा सबसे आसान जीके था। जीएस सबसे सरल था, जीएस के क्वेश्चन फेल से आए थे कि हेल्थ प्रोडक्ट का संबंध किससे क्रिकेट से सभी ने कर दिया। तो आपने आपने 79 अटेम्प्ट किए हैं, 69 एक बहुत ही अच्छा स्कोर आपने, जो बोलते हैं लोग कि कोई 71 अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 72 अटेम्प्ट कर रहा है, तो उनका नाम कमेंट में बच्चे लोग विनोद रख देते। तो दोस्तों आप इनका नाम तो विनोद तो नहीं रखोगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों सबसे पहले बात पोर्शन की बात की जाए तो हिंदी के पोर्शन की बात की जाए तो हिंदी में आउट ऑफ सिलेबस से कोई क्वेश्चन आ रहा है? आउट ऑफ सिलेबस से क्रिया से और सर्वनाम से तो कहना है कि आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया पढ़कर आइए, क्योंकि हिंदी से यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में टाइम टेकिंग क्लियर है? रीजनिंग बिल्कुल आसानी थी, सिटिंग आसानी थी और सीरीज बहुत ही अलग थी। रीजनिंग में टाइम टेकिंग की कोई बात नहीं। अगर से देखा जाए तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं? रीजनिंग में अल्फाबेट से बन रहे हैं, अल्फाबेट से करीबन 6 और ज्यादातर देखा जाए सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल से क्वेश्चन बनना है या लाइन से बन रहा है? लाइन से बने तो दोनों लाइन, दोनों लाइन से बने। अब मैथ की बात करते हैं, बहुत सारे भाई बोलते हैं कि मैथ कैलकुलेटिव आ रही है, मैथ में जो है टाइम अटेंड नहीं कर पा रहे, टाइम कंज्यूम नहीं हो पा रहा, तो मैथ के बारे में क्या कहेंगे? मैथ के बारे में ये कि जिसके अच्छे से प्रैक्टिस है, टाइम टेकिंग आ रही है, उसका SICI से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। SICI निकालने कितने वर्षों के लिए आ रहा है? 2 वर्षों का आ रहा है और 3 का भी आ रहा है। तो बहुत सारे भाई बोलते हैं कि 5-6 वर्ष का आ जाएगा तो उनको जो है कैलकुलेटिव में बहुत यानी दिक्कत जाती है, तो यानी 2 वर्ष यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है? 2 फिट से 2 क्वेश्चन आए थे और बाकी मध्यानुपाती चतुर्थानुपाती आए थे, हिंदी का एक क्वेश्चन आपको याद हो क्या? हिंदी का कोई क्वेश्चन याद? हिंदी बिल्कुल ही आसानी थी, उसमें वो पूछे ही था विलोम शब्द तो आए, विलोम शब्द आए थे, पर्यायवाची शब्द आए थे और गद्यांश बिल्कुल इजी था और उनने विलोम शब्द और पर्यायवाची गद्यांश की तरह पूछा था। आपने जीके जीएस के बारे में बताया कि जीके जीएस जो है बहुत अब तक की शिफ्ट का सबसे ज्यादा सरल सब्जेक्ट आया तो जीके जीएस है। जीके जीएस के कोई 2-4 क्वेश्चन के नाम बता दिए? एक आया था इसका संबंध किससे तो क्रिकेट से, एक आया था राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है वाला क्वेश्चन आया था, और एक झारखंड के फेस्टिवल आए थे 3, तो एक हटाना था कि सबसे ज्यादा झारखंड में कौन सा फेस्टिवल नहीं मनाया जाता, लावणी सब मेरे को पता था महाराष्ट्र का तो मैंने काट दिया था वो आया था, तो 3 तो थे लावणी मैंने महाराष्ट्र का काट दिया था वो आ गया था। डांस से क्वेश्चन आए थे और इसके बाद में एक आया था प्रतिरोध का संबंध ओम से, ऊर्जा का कैसे होगा, साइंस वाला उसमें जीके जीएस में आ गया था और साइंस से 2 क्वेश्चन और आए थे जीएस में। तो बात की जाए कि आपकी स्टडी की तो आपने ऑफलाइन स्टडी की थी या ऑनलाइन में की थी? ऑनलाइन स्टडी की थी, अभी ऑनलाइन स्टडी की थी, बाकी मैंने टेंथ की तैयारी किया था लाइब्रेरी। अब मॉक टेस्ट आपने कहाँ से दिए? मॉक टेस्ट एग्जाम कैसे दिए? अगर से कंपेरिजन RW को आपने मॉक टेस्ट दिए थे क्या? RW के नहीं दिए। हाँ, तो एग्जामपुर के मॉक टेस्ट से अभी अगर इसका कंपेरिजन करें तो एग्जामपुर का मॉक टेस्ट में ज्यादा लेवल कठिन था, बाहर आइए गेट पे ज्यादा लेवल कठिन था, यानी सर लोग ऐसा मजबूत बना के हमको भेज रहे कि यहाँ का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल आराम से। तुम्हारे जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं, जितने भी लोग देखेंगे हमको, हमारे चैनल का अभिषेक जगह RW से, है ना? तो बहुत सारे लोग बोले मैंने कमेंट करेंगे, तो सबसे पहले बात उनको कहने के लिए मैं कहूँगा कि टाइम कंज्यूम नहीं कर पाते बहुत सारे छात्र, समय बचता ही नहीं है, यानी अंतिम में जब अगर से वो मैथ करते हैं तो उनके पास 5-10 मिनट बच रहे हैं, तो टाइम किस प्रकार से कंज्यूम करें? टाइम का यदि निरंतर आपकी प्रैक्टिस चलती है और टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की मॉक टेस्ट लगाएं, आप लोगों को नहीं लगा हुआ वही हो जो जिसने टेस्ट लगाया मॉक टेस्ट लगाएंगे। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 45 यानी आपने पूरे के विषय आप नहीं भागे। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नक्सल डिस्ट्रिक्ट या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट? जनरल डिस्ट्रिक्ट है क्या? तो जनरल डिस्ट्रिक्ट है तो काफ़ी अटेम्प्ट किए, लेकिन आपने तुक्के नहीं मारा, तो एक्यूरेसी के हिसाब से आपके नॉर्मल एग्जाम में नंबर बढ़ने के चांस। तो बस आप उन कैंडिडेटों को क्या कहना चाहोगे कि जो भी अभी जिन लोगों के एग्जाम बचे हैं तो किस टॉपिक पर और किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि अच्छा खासा स्कोर हो सके? मैथ जितनी तो आपकी प्रैक्टिस है तो वो चलनी दीजिए, और जीके जीएस में जैसे अभी क्वेश्चन आए थे डांस से आ रहे क्वेश्चन, और पिछले वाले फर्स्ट शिफ्ट में जैसे मंत्रिमंडल आ गया था उसने केंद्र का पूछा था, इसमें राज्य का पूछ लिया कि राज्य का मंत्रिमंडल राज्यों का मंत्री की नियुक्ति कौन कर
करता है ये राज्य से पूछ गया था, बाकी दिवस से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और यानी कुल मिला के एक बात है, मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो मेहनत पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, तो क्या कहें, तो यहीं तक हम अपना विचार यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने बताया, भैया फिर से आपका नाम क्या है? नीरज परमार। तो इनके 69 इन्होंने जो है 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो भैया का बहुत अच्छा खासा करके दिखाया है। जनरल हिस्ट्री के हिसाब से भी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी? एक्यूरेसी की बात की जाए तो मेरी 55 से 60 क्वेश्चन अगर से भैया सही करते तो भैया का 100% सिलेक्शन है। फिजिकल करके बुलाएगा ही, फाइनल मेरिट में भले ही छाड़ दे, लेकिन इसमें भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है। नंबर ऑफ फॉर्म भी इतना ज़्यादा है, 71 लाख फॉर्म थे इस बार, कंपनी फॉर्म है इस बार 54 लाख कुछ फॉर्म है, इसमें 38 लाख क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चन बना रहे हैं, क्रिकेट से आया था, ओलंपिक से आया था। आप लोग कभी था क्या? आपने कब एग्जाम था? कितने अटेम्प्ट किया आपने? ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो क्या 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 कुछ रहा लेवल आज का? ऐसा कोई मेरे का क्वेश्चन याद हो तो दिमाग का लाइक करने लायक है? आज अगर से देखा जाए तो सबसे सरल लेवल किसका था? रीजनिंग बहुत सारे भाई वो बोल रहे कि टाइम कंज्यूम हो पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा, तो टाइम के बारे में क्या कहना चाहूँगा? भाई मैनेज नहीं हो पाया, तो कितना मिनट समय बचा था कि आपका जो है सब्मिट हो गया? यानी किसकी कौन से सब्जेक्ट के लिए आपका टाइम नहीं बच पाया? मैथ मैथ है। आज का अगर से एनालिसिस पूरा किया जाए तो चारों सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट सबसे सरल और हिंदी? और जी के लिए इसमें कोई ऐसा, उससे पहले एक शिफ्ट आई थी इसमें पूछा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, बीजेपी के बारे में, बीजेपी के जो भी है कार्यकर्ता का नाम आ रहा है, तो आप बताना चाहेंगे कि राजनीति क्या आ रहा किसी राज्य किसी राज्य के मतलब मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है, मतलब मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल या मतलब ये सब है? तो मुख्यमंत्री जो आपका अब कैंडिडेट जिनके भी एग्जाम बचे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? टाइम मैनेज का मतलब टाइम की पेपर तो बहुत, यानी कहने की बात है को है, लेकिन जो कम समय में करेगा वही सिकंदर है ना, है ना, वही बात है ना। तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपका नाम क्या? आपने मुक्त टेस्ट किससे दिया थी? मुक्त टेस्ट नहीं दिया, सेल्फ टेस्ट दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया का दोस्तों। तो बहुत यहीं तक था, हम थे आपके साथ। तो दोस्तों ये थी फोर्थ शिफ्ट का आज का एनालिसिस। इसके बाद दोस्तों कल फिर हम फर्स्ट शिफ्ट का यानी 17 जनवरी का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। भैया इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अगर मेरे चैनल का नाम है तो आर्मी ब्लॉग, अगर से आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन होता है इस पर कमेंट जरूर बताइएगा, हम आपका फिर से इंटरव्यू देंगे। अगर से भोपाल में आपका फिजिकल रहा है तो यहीं तक था वीडियो आपका। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।